यही कि मुल्क था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, जब हमने होश संभाला तो एक नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। कि पाकिस्तान में भगत सिंह का कोई जिक्र ही नहीं है। वो तो लालपुर से था, जो आज फैसलाबाद है। अच्छा, अपना ही था। हाँ, लालपुर से था, पाकिस्तानी था। एक तरह से देखा था पाकिस्तानी है वो। हाँ, पाकिस्तानी है भाई। भगत सिंह पाकिस्तानी है तो भाई भगत सिंह पाकिस्तानी भी, फांसी भी लाहौर में दी, फिर तो पक्का पाकिस्तानी हुआ बाबा। हाँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे महबूब हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन इजहार नहीं करते। मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ। अच्छा। क्या मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? कहाँ में तो नहीं, 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 आप बताएं ना। नहीं, मैं... क्या पाकिस्तानी है वो? नहीं, या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शहाबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। अच्छा, हमारे, हमने अपने हीरो को भगत सिंह को किल किया। भगत सिंह इतना खूबसूरत लड़का था जी। अच्छा। और उसका ताल्लुक जड़ावाला से था, जो लालपुर जिला होता था, लालपुर के अंदर आप जिसको हम फैसलाबाद कहते हैं। जैन दोस्तों, जैसे हम तो भाई एक इतनी खूबसूरत वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत आप लोगों को एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, यानी कि भाई आप वीडियो देखेंगे एक तरह से बंद जाएंगे वीडियो के साथ। तो ज्यादा समय व्यस्त ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के बाद में हम वीडियो के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू, लाइक जरूर करते भाई वीडियो को। भगत सिंह का एक कर्ज है और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो बात कही कि जब भगत सिंह शुरू से ही ना, भगत सिंह की उम्र थी 12 साल, तो ये चला गया उस वक्त जलियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ था, जिसके अंदर हिंदुस्तानी मारे गए जिनमें मुसलमान भी शामिल थे, ज्यादातर सिख थे, हिंदू भी शामिल थे और क्रिश्चियंस भी शामिल थे। मैं जलियांवाला बाग जाके देख के आऊं, गोलियों के निशान भी उन्होंने संभाल के रखे हुए अमृतसर में, जलियांवाला बाग। ये वहां चला गया, फिर जब इसकी उम्र 14 साल हुई तो ननकाना साहब जी, जो पाकिस्तान के अंदर जिसको जन्म स्थान कहते हैं बाबा गुरु नानक का, वहां पे एक अंग्रेजों ने ऑपरेशन के जरिए से बेशुमार लोगों को मार दिया जो गुरुद्वारे में वहां पे आए हुए थे। मिसाल दी जापान की, अभी बैठे हुए थे, जापान पर आइटम बम गिर गया दो मुल्कों पे, हिरोशिमा नागासाकी पे, दो शहरों पे जी। उसके बाद अमरीकी प्रेसिडेंट एक जिल्लत अमेज सुलानामा लेके गया, जिल्लत अमेज, शहनशाह जापान के पास। किसी कौम पे इससे ज्यादा बुरा वक्त नहीं होता कि उसके दो शहरों पे एटम बम गिरा हो। उन्होंने वो जिल्लत अमेज शरतनामा या वो सुलानामा उसके आगे रखा है, तो उसकी लातदाद शर्तें थी, 50 प्लस थी। ठीक है। उसने स्टडी की और देखी, रीडिंग के बाद उसने सिर्फ एक लाइन काट दी, एक लाइन काट दी। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि ये क्या था, हम आपकी ये बात नहीं मान सकते। ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो फिर जंग होगी। उसने कहा फिर ये बात मान ली तो तब भी मारे जाएंगे, तो क्यों ना हम आपके साथ लड़के मर जाएं। तो वो बात थी? क्या थी? वो बात थी कि हम अपना निजामे तालीम और नसाबे तालीम वो किसी को मुरतब नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में जो निजामे तालीम है या जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो हमारा अपना है? नहीं नहीं, ये तो शाह ओली के चूहे पैदा कर रहा है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 23 अप्रैल 1940 को क्या हुआ था तो आपका क्या जवाब होगा? ठीक है, एक मतलब यह करारदार मंजूर हुई। और 19 मार्च को क्या हुआ था? 4 दिन पहले जी, जी, नहीं पता मुझे। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि आपसे तारीख छुपाई गई है। अच्छा, ये चीज मतलब बड़ी ऑथेंटिक बात है। अच्छा, 19 मार्च को लाहौर में हाकसरों पे गोली चली थी, 313 हाकसर शहीद हो गए थे। अच्छा, क्यों नहीं है वो सिलेबस में? ठीक हो गया। क्या वो इसराइल की जंग लड़ रहे थे? वो भी तो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे, ताजदारे बरतानिया के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है। हमने अपने हीरोज को छुपाया है। ठीक हो गया। जिसकी वजह से हमने उनका, जब मैं छोटा था तो मेरी हिस्ट्री पता कहाँ से शुरू होती थी? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से। अच्छा, क्या हिस्ट्री? जो हिस्ट्री की किताब थी मेरी। अच्छा, 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 वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से शुरू होती थी। और जब मैं मैट्रिक में गया तो चूंकि अफगानिस्तान में फौज आ गई हुई थी रशियन, तो उस वक्त सिकंदर आजम से शुरू होती थी 326 कबल अजम सी, और सीधी 712 मोहम्मद बिन कासिम पे आती थी। दरमियान की सारी तारीख गायब कर दी गई, प्रॉपर कर दी गई। अच्छा, अगर हम बात करें भगत सिंह की, वो भी हमारे यहाँ के मतलब हीरो थे, मतलब उन्हें उनका क्यों नहीं थे? नहीं है, हीरो है, लेकिन जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ के थे तो उनका हम क्यों नहीं किसी बुक में लिखते? किसी बच्चे को ये नहीं पता होगा। मतलब देखें, बड़ी डीप बातें हैं जो इन्हें पता है। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इनसे मतलब भगत सिंह के बारे में बताया जाए। देखें, बात ये है, मैं दूसरे लोगों का आपको बाद में बताता हूँ वो क्यों नहीं मानते। मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ। अच्छा। बतौर पंजाबी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और जो डंके की चोट पे मानते हैं, 23 मार्च को शादमान में हर साल गुज़श्ता 35 साल से 40 साल से उसका डे हम सेलिब्रेट करते हैं। बात यह कि पंजाब के पास है क्या राय? अहमद हाँ खरल किसने कत्ल किया था? ठीक है। कर्नल हैमिल्टन ने? जी जी। किसने करवाया था? शाह महमूद कुरैशी के परदादा ने। ठीक है। उसका नाम भी शाह महमूद था, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर। आपको पता है कि पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल और पहला सदर सिकंदर मिर्जा जी मीर जाफर का परपोता था। ठीक हो गया। तो भाई आपने पाकिस्तान
दिया किनको है? ताजदारे बरतानिया के पुराने वफादारों को। हमने अपने जो नॉर्दर्न एरिया थे यहाँ पे बकायदा पूरी दुनिया से दहशतगर्द इकट्ठे किए। 5 जुलाई 1977 से लेकर 27 दिसंबर 1979 तक, 27 दिसंबर 1979 को रशियन आर्मी आई है अफगानिस्तान में। 5 जुलाई 77 से लेकर 27 दिसंबर 1979 तक पूरी दुनिया के दहशतगर्द और जंगजू हमने इकट्ठे किए। वो अफगानिस्तान नाम क्या दिया? मुजाहिदीन का नाम दिया। और जब जंग खत्म 87 में जब उसने रेगन ने और गोरबाचोव ने हाथ मिला के कोल्ड वार के हाथ में का ऐलान किया तो वो चले गए। अच्छा, तो जो मुजाहिदीन हमने तब बनाए, हमारे बकौल मुजाहिदीन, आज वो जंग खत्म। अच्छा, वो हमने नहीं बनाए, पहले ये क्लियर कर ले। किसने बनाए? मैं बताता हूँ, वो आलमी सरमायादारी ने बनाए। तो ट्रेंड किसने किया? नहीं, हमने किए। हमने हमसे मुराद ये ना, हमने अगर देखे, मैं हमारी जमीन इस्तेमाल हुई, हमने ट्रेनिंग दी, मगर उसकी मुजरम, उसके मुजरम अमेरिका भी है, उसका मुजरम बरतानिया भी है। लेकिन हमने उन्हें फैसिलिटेट किया। देखिए, हम कैपिटल अक्यूज्ड हैं, मरकजी मुजरम हम हैं, मगर इनको भी एफआईआर से खारिज ना करें। ललकारे और जफे वाला भी होता है ना साथ ही। अच्छा, फिर यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि देखें, आपने बोला अमेरिका भी बीच में था, लंदन भी बीच में, बरतानिया, सऊदीया, कुवैत, सब। आपको इंडियन आर्मी चीफ का नाम पता? वो मनोज पांडे, आई थिंक उनका नाम मनोज पांडे, और उससे पहले थे वो दूसरे। अब आप करते क्या हैं? मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। कौन है आर्मी चीफ? इंडियन आर्मी चीफ है, बरतानिया का, अमेरिका का, नहीं पता लोगों को। मैंने बताया वो भाई, आपने बताया ना, आपकी फील्ड है। अच्छा, अच्छा, मेरी फील्ड है, ठीक है। सिर्फ जो लोग इस फील्ड के उनको पता है, पता है। अदरवाइज दुनिया में जर्नलों की हीरोशिप दुनिया की कोई कौम नहीं बनाती। हमने तो जितना पठान है, उसने जब स्मगलिंग करनी होती है तो ट्रक के पीछे यूफान की तस्वीर लगा के कहता है तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, और उसमें सारा चर्च बड़ी होती है, हेरोइन बड़ी होती है, असला बड़ा होता है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, इस मुल्क में हमने जो इस मट्टी के बेटे हैं वो पैदा नहीं किए। जब आपके अपने हीरोज ही नहीं हैं, क्या मोहम्मद बिन कासम आपका हीरो है? कहां में तो ये नहीं, आप बताएं ना। नहीं, क्या पाकिस्तानी है वो, या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शाहबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। हिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। अच्छा, हमारे, हमने अपने हीरो को, भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया, वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, और उसने एफआईआर में अपना नाम क्या लिखवाया? एफआईआर में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आजाद। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया, और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। जो ये बात की इन्होंने कि मोहम्मद बिन कासिम आपके हीरो हैं, या वो पाकिस्तानी थे, या इसके अलावा अगर महमूद गजनी की बात करें वो पाकिस्तानी थे, इधर से मुझे आइडिया ये हुआ कि भाई मैं तो अगर हीरो मतलब पाकिस्तानी तो ये थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर की बात करें उन्हें हम हीरो, डॉक्टर अब्दुल सलाम की भी करें ना। हाँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम, लेकिन वो तो हम उसे दूसरे साइड पे ले गए। क्या किधर ले गए हम उसे? वो प्रॉब्लम आ गई ना फिर। हाँ, कादियानी का उस पर भाई, किसी के कादियानी होने से, किसी के हिंदू होने से, किसी के सिख होने से उसका नेशनल स्टेटस या उसका सिटीजन स्टेटस तो खत्म नहीं हो जाता भाई। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो यानी कि देखो कितनी जबरदस्त बात बोल दिया बंदे ने, यानी कि देखो भारत और पाकिस्तान अलग हुए, ठीक है, 1947 में, बट 1947 से पहले तो भारत था, और भारत को आजादी किससे लेनी थी भाई? जो पाकिस्तानियों की अभी थिंकिंग हो रही है उनकी, उनको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम अलग हुए या फिर आजाद हुए, समझे? तो अब जो भगत सिंह थे, भगत सिंह भाई लाहौर की जेल में रहे, वहीं उनको फांसी दी गई, पाकिस्तान का एरिया था, ठीक है। तो उस समय आजादी के समय भाई वो सिर्फ हिंदुओं के लिए, आजादी के लिए नहीं लड़ रहा था उस समय, तो भाई भगत सिंह को भी नहीं पता था कि यानी कि 1947 में इस तरह से दो टुकड़े हो जाएंगे देश के। तो भगत सिंह हिंदू के लिए भी लड़ रहे थे, मुस्लिम के लिए भी लड़ रहे थे, यानी कि भाई जो 1947 से पहले जो लाठियों से मारे गए थे अंग्रेजों की, लाला लाजपत राय थे, तो वो भाई हर कौम के लिए लड़े थे। तो पाकिस्तान की ये मानसिकता है, ये इनको एक यानी कि भाई बिल्कुल दुनिया से काट के अलग लेती जा रही है। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में, जय हिंद लिखना ना बोले, समाप्त।